गुड मॉर्निंग। और आज हम जिस चीज के लिए यहाँ पे हैं वो है हिस्ट्री। लगभग अगले 10-15 दिन तक हम हिस्ट्री ही पढ़ेंगे। हिस्ट्री मेजरली हम कौन कौन सी पढ़ेंगे, इतिहास मेजरली हम कौन कौन से पढ़ेंगे, या आज का जितना भी ये लेक्चर होने वाला है उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। आज हम पूरा प्राचीन भारत पढ़ने की कोशिश करेंगे, आज हम पूरा मध्यकालीन भारत पढ़ने की कोशिश करेंगे, और आज हम पूरा आधुनिक भारत पढ़ने की कोशिश करेंगे। मतलब हमारे लिए अगले जितने भी 1.5-2 घंटे उनमें ये चैलेंज होने वाला है, भारत का लगभग 3000 साल का इतिहास हमको एक लेक्चर में निपटाना है। अब वैसे तो ये एक लेक्चर में निपटाना असंभव है, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, अगले जो 15 दिन होंगे ना उनका आज आधार या बेस तैयार कर लेना है, ताकि आगे के दिनों में हमको ज्यादा दिक्कत ना आए। तो आज हम प्राचीन भारत पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में हम हड़प्पा सभ्यता, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड, महाजनपद काल, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम, भारत पे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ वो पढ़ेंगे, उसके बाद महमूद गजनी पढ़ेंगे, उसके बाद मोहम्मद गोरी पढ़ेंगे, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ेंगे, उसके बाद अलालुद्दीन खिलजी पढ़ेंगे, बाबर पढ़ेंगे, बाबर के बाद अंग्रेजों की भारत में एंट्री करा देंगे, एंट्री के बाद अंग्रेज भारत में पूरी शोषणकारी नीतियां लगाएंगे, शोषणकारी नीतियों के बाद द ग्रेट मिस्टर सलमान खान महात्मा गांधी की भारत में एंट्री करवा देंगे, एंट्री होने के साथ ही नमक सत्याग्रह करा देंगे, पूना पैक्ट करवा देंगे, 1935 का अधिनियम करवा देंगे, 1935 का एक्ट करवा देंगे, उसके बाद 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन सभा बना देंगे, संविधान सभा, उसके बाद 1947 में भारत को आजाद करा देंगे, 2014 की मोदी सरकार को जिता देंगे, और आज 2015 दिसंबर चल रहा है, ये कवर करना है हमको, बस कर लेंगे कवर। जब हम 3 मिनट में समझ सकते हैं आज हमको क्या करना है, तो 1 घंटा है, 1.5 घंटा है। तो ये जो 1.5 घंटा है ना, इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करिएगा। इतना सारा कुछ पढ़ना है हमको अगले 1.5 घंटे में। तो देखो 2-3 प्रिंसिपल्स को समझो, हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो 2-3 चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ये जो चीज है ना, मैं थोड़ा अलग ढंग से समझाता हूं आपको। जीवन में जब भी कठिनाई आती है तो इंसान सरलता का मार्ग ढूंढता है, आया समझे? जीवन में जब भी कठिनाई आती है, किसी सभ्यता में जब भी कठिनाई आती है, या किसी सभ्यता में जब भी हिंसा चलती है, कुल मिला के जीवन में जब भी कठिनाई आती है, इंसान सरलता का रास्ता ढूंढता है। इतिहास में काफी बार कठिनाइयां तो आएंगी, युद्ध तो लड़े जाएंगे, लेकिन इंसान क्या ढूंढने की कोशिश करेगा, सरलता को ढूंढने की कोशिश करेगा। शुरुआत में भारत में पूरी तरीके से जो समाज है वो सरलता पूर्ण समाज होगा। आपको पूरा ओवरव्यू समझा रहा हूं, सरलता पूर्ण समाज होगा। कब होगा ये? हड़प्पा सभ्यता में, ऋग्वेदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होगा, जो सरलता थी ना समाज की, उसको कठिनाई ढक देगी, उसको कठिनाई ढक देगी उत्तर वैदिक काल में। और फिर कठिनाई ने सरलता को ढका, तरह तरह के कर्मकांड समाज में आ गए थे, तरह तरह की बेकार प्रथाएं समाज में आ गई थी उत्तर वैदिक काल में, तो कठिनाई ने सरलता को ढक दिया। युद्ध वुद्ध स्टार्ट हो गए थे औपचारिक रूप से, तो कठिनाई ने सरलता को ढक दिया। अब जब कठिनाई ने सरलता को ढका तो फिर दोबारा से सरलता आने की कोशिश करेगी, इंसान सरलता का रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगा। फिर बाद में जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए। कौन से धर्म आए? जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने यही कोशिश की कि सरलता जो ढक चुकी है उसको दोबारा से लाया जाए। उनका मेन मकसद क्या था? जीवन से कठिनाई को हटा के सरलता को लाया जाए। देखो ये सारी बातें आज से मैं 3000 साल पहले की कर रहा हूं, और यही सारी बातें पिछले 300 साल पे भी अप्लाई होती हैं। कैसे बताता हूं? ऋग्वेदिक काल का समय सरलता पूर्ण समाज था, कठिनाई नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में सरलता को कठिनाई ने ढक दिया। इतना समझ में आया? दरअसल हुआ क्या था, एक हिंदी की बहुत अच्छी लाइन है, मैं आपको बताना चाहूंगा। नैतिक मूल्यों पर आधारित एक मजबूत इमारत का निर्माण ऋग्वेदिक काल में हुआ था। क्या बोला मैंने?
नैतिक मूल्यों पे आधारित एक मजबूत इमारत का निर्माण ऋग्वेदिक काल में हुआ था। नैतिक मूल्यों पे आधारित एक मजबूत इमारत का निर्माण ऋग्वेदिक काल में हुआ था। 3000 साल पहले की बात। सरलता थी, उत्तर वैदिक काल में क्या है? कठिनाई। फिर कठिनाई के बाद क्या है? सरलता। ये 3000 साल पहले की बात है। अब 300 साल पहले की सुनो। फ्रांसीसी क्रांति, कठिनाई थी, क्रांति की हुई दोबारा सरलता का रास्ता ढूंढने के लिए। अमेरिकन क्रांति, अमेरिकी क्रांति, कठिनाई से सरलता का रास्ता ढूंढने के लिए। 1857 की क्रांति, अंग्रेजों ने जो इतनी सारी कठिनाइयां दे रखी थी उससे सरलता का रास्ता ढूंढने के लिए। तो जीवन में जब भी मुश्किल आती है इंसान क्या सोचता है? सरलता का मार्ग ढूंढने की कोशिश करता है। पूरा बेस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हम शुरू करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं, भारत में जो सबसे पहले सभ्यता आई थी उस सभ्यता का नाम था हड़प्पा सभ्यता, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी बोला जाता है। कौन सी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसका नाम इसलिए है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता, पहले ये समझो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों है, क्योंकि इसके आसपास जितने भी शहर थे वो सारे सिंध नदी के किनारे पे थे, इसलिए इसका नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसमें जो पहले शहर की खोज की गई थी उसका नाम था हड़प्पा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, भारत की पहली और सबसे प्राचीनतम एनिशियंट सिविलाइजेशन वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, ऋग वैदिक काल हड़प्पा सभ्यता बहुत ही शानदार अर्थव्यवस्था थी, बहुत ही शानदार अर्थव्यवस्था थी। मैं आज से कितने हजार साल पहले की बात कर रहा हूं? लगभग 5000 साल पहले की बात कर रहा हूं। लगभग 5000 साल, कितने साल पहले की बात कर रहा हूं? 5000 साल पहले की बात कर रहा हूं। उसको समझो, दो तरह की अर्थव्यवस्था होती है, एक होती है सरप्लस इकोनॉमी, एक होती है सबसिस्टेंस इकोनॉमी। कौन सी होती है? सबसिस्टेंस इकोनॉमी। इसका मतलब होता है अधिशेष अर्थव्यवस्था, सरप्लस, अधिशेष, सबसिस्टेंस, जीने योग्य, सबसिस्टेंस, जीने योग्य। अब इन अर्थव्यवस्थाओं को समझना जरूरी है, अगर हमको पूरी हिस्ट्री समझना जरूरी है। इनका मतलब क्या है? वर्ड्स का मतलब समझो। देखो, आज आप हो, आप यहां पे बैठे हो, आप पढ़ रहे हो, जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप आराम से बिना चिंता के पढ़ रहे हो, बिना चिंता के पढ़ रहे हो ना। क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको कल के खाने की चिंता है क्या? नहीं है। 50 दिन के खाने की चिंता है क्या? नहीं है। वो तो निश्चित है कि अगले 50 दिन तक के आपके घर में भंडार होगा गेहूं का और आटे का, तभी तो आप यहां पे फ्री माइंड से बैठ पाए हो ना। आया समझ में? मतलब जितना जीने के लिए जरूरी है, मान लो आज मेरे को जीने के लिए 2 किलो आटा जरूरी है, जीने योग्य, वो कौन सी हो गई? सबसिस्टेंस अर्थव्यवस्था। मतलब जितना जीने के लिए जरूरी है केवल उतना कर लो, ये कौन सी अर्थव्यवस्था हो गई? जीने। और जितना जीने के लिए जरूरी है वो नहीं, भंडार करो उससे भी ज्यादा, ये कौन सी अर्थव्यवस्था है? सरप्लस अर्थव्यवस्था। अच्छा ये सोचो, अंग्रेजों के समय में हमारी अर्थव्यवस्था कौन सी रही होगी? जीने योग्य या अधिशेष? केवल जीने योग्य, क्योंकि पूरा माल तो ब्रिटेन चला जाता था। आज हमारी अर्थव्यवस्था कौन सी है? सरप्लस है ना, अधिशेष है ना। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जगह नहीं आती है क्या? खाद्य सुरक्षा बिल कांग्रेस 2013 में लाई है ना, आज तो आपकी कौन सी है? सरप्लस है। आज से 300 साल पहले कौन सी थी? सबसिस्टेंस थी। और आज से 5000 साल पहले कौन सी रही होगी? सोचो, सरप्लस, अधिशेष। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था थी? सबसिस्टेंस थी, सॉरी सरप्लस थी। उनको कल के खाने की चिंता नहीं थी, मतलब पहले भंडार करके रखते होंगे
तो वो तो बहुत शानदार स्थिति, आज के 5000 साल पहले सरप्लस अर्थव्यवस्था, जितना जीने के लिए जरूरत उससे ज्यादा भंडार करना, इसका ये हमको कहां से पता लगता है? अभी तो मैंने आपको बता दिया वो सरप्लस अर्थव्यवस्था है, लेकिन मैंने बोला किस तथ्य के आधार पे? आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल में, सॉरी हड़प्पा सभ्यता में बड़े बड़े अन्नागार और स्नानागार मिले, बड़े बड़े अन्न के भंडार वाले वो मिले, अन्न के भंडार के लिए वो मिले अन्नागार। इसका मतलब अन्न का भंडार होता ही होगा, और अन्न का भंडार कब होगा? जब जीने योग्य हो या जरूरत से ज्यादा हो। तो वो तो बहुत शानदार अर्थव्यवस्था थी। अब ये समझना पड़ेगा भारत के इतिहास को कैसा नाम दिया जाए। भारत के इतिहास को जो नाम दिया जाना चाहिए वो है उल्टा इतिहास। इसको क्यों बोला मैंने उल्टा इतिहास? उसका एक कारण है, उसका यह कारण है, हम सबसे पहले कौन से जीवन यापन करते थे? सरप्लस सिंधु घाटी सभ्यता के समय हम सिटी वाला जीवन जीते थे, नगरीय जीवन जीते थे, या रूरल जीवन जीते थे, ग्रामीण जीवन जीते थे? हम जीते थे शहरी जीवन। कौन से जीवन जीते थे? शहरी। फिर शहर से हम काय पे आएंगे? दोबारा गांव पे। और फिर गांव से दोबारा कहां पे आएंगे? तो एक बात बताओ, आप अभी सिटी में रहते हो तो बाद में आप मेट्रो की तरफ मूव करने का प्लान करोगे या आप तहसील की तरफ मूव करने का प्लान करोगे? मेट्रो की तरफ ही जाओगे ना, तहसील की तरफ तो नहीं जाओगे ना सिटी से। वो मेट्रो से डायरेक्ट कहां पे आ रहे हैं भारतीय? अब तहसील पे आ रहे हैं। जो ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता थी वो बहुत शानदार सभ्यता थी। लोग बिल्कुल भी कर्मकांड में नहीं फंसे थे, धर्म था, थोड़ा बहुत धर्म था, लेकिन धार्मिक कट्टरता नहीं थी। लोग बाग सब समान थे, जातिवाद नहीं था, कम्युनलिज्म नहीं था, सांप्रदायिकता नहीं थी, उसके साथ साथ रीजनलिज्म नहीं था, जातिवाद नहीं था, और क्लास डिवीजन नहीं था, सब लोग समान थे। आए समझे? मतलब आज से 5000 साल पहले हमारी बहुत शानदार अर्थव्यवस्था थी और बहुत शानदार समाज था, सरलता थी। सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई, उसके बाद भारत का अगला अध्याय आएगा ऋग्वेदिक काल का। कौन सा आ गया? ऋग्वेदिक काल। मैं एक करके लिखते चलता हूं। सबसे पहले क्या हो गया? हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब क्या आ गया? ऋग्वेदिक पीरियड, ऋग्वेदिक काल। तो सर अब हमको ये बताओ, ऋग्वेदिक काल में समाज में सरलता थी या कठिनाई थी? ऋग्वेदिक काल में समाज में सरलता थी। क्या थी? सरलता थी, कठिनाई नहीं थी, तो लोग बाग अच्छे जीवन जी रहे थे। वेरी गुड। अब आपको ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेदिक पीरियड और पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल को मैं एक साथ समझाता हूं। इन दोनों को समझो। ऋग्वेदिक पीरियड, इसमें ना लोग बागों का मेन व्यवसाय क्या था? ऋग्वेदिक पीरियड और पोस्ट ऋग्वेदिक में अंतर क्या है, इसको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए दो तीन चीजें समझाता हूं। देखो, ऋग्वेदिक पीरियड में पहले कौन सा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग कैसे जीवन जीते थे? नगरीय, सिटी। इधर कौन सा आ गया? ग्रामीण जीवन। ग्रामीण जीवन का मतलब मेरा यहां पे यह है कि लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, उनका कोई स्थायी निवास, परमानेंट रेसिडेंस नहीं था। आया समझ में? कैसे समझाता हूं। यहां पे लोग बागों का मेन व्यवसाय था पशुपालन, यहां पे लोग बागों का मेन एनिमल रियरिंग, और यहां पे लोग बागों का मेन व्यवसाय था एग्रीकल्चर, कृषि। अब आप जब पशुपालन करते हो तो उनको तो चराना रहता है, तो आप एक जगह तो रह ही नहीं सकते, आपको तो मूव करना पड़ेगा। तो यहां पे लोग कौन सा जीवन जीते थे? कबीलाई, कबीलाई जीवन। कबीलाई मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमना, एक जगह से दूसरी, स्थायी जीवन ना जीना, परमानेंट रेसिडेंस ना होना। और यहां पे अगर आप कृषि करोगे तो एक ही खेत पर कर पाओगे ना अपना जो है, तो फिर यहां पे लोग कैसा जीवन जिएंगे? परमानेंट जीवन जिएंगे। यहां पे जन हुआ करते थे और यहां पे जनपद हुआ करते थे। जन का मतलब आप एक कबीला समझो, कबीला का मतलब एक
बहुत 100 150 200 300 लोगों का एक झुंड होता था और वो इधर से उधर घूमता था और उनका मेन जो काम था, प्रोफेशन था, वो एनिमल रियरिंग का था। आज समाज में किसकी ज्यादा प्रतिष्ठा होगी, मतलब समाज में अगर आप देखते हो क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास, लोअर क्लास, तो किसके आधार पे देखोगे प्रतिष्ठा? जितना पैसा है उसके आधार पे, यही तो होगी ना। उस समय जो समाज में हाई क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, समाज में प्रतिष्ठा का कारण क्या था? जिसके पास जितने ज्यादा जानवर। तो लोग बागों का मेन प्रोफेशन क्या था? एनिमल रियरिंग। एनिमल रियरिंग का मतलब पशुपालन करना। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इसलिए भी हो गया था क्योंकि बाद में लोहे का आविष्कार हो गया था यहां पे। जब तक लोहे का आविष्कार नहीं होगा, हल्के से चलाएंगे, तो यहां पे लोहे का आविष्कार मतलब लोहा लोगों के जीवन में आ चुका था। यहां पे थे जन, जन, जन का मतलब हो गया तहसील या कबीला। जनपद, जनपद का मतलब हो गया डिस्ट्रिक्ट। अब देखो जन में पद और जुड़ गया। जन में क्या जुड़ गया? पद और जुड़ गया। पद जब आप किसी को देते हो तो उसका स्थायी जीवन कर दिया ना, अपन ने पद दे दिया, ये कुर्सी पद हो गया, ये तो स्थायी जीवन हो गया ना। तो जनपद मतलब एक जगह जीवन यापन करने लगे। अब जनपद से ही मिलके बनेगा महाजनपद। अगर जनपद डिस्ट्रिक्ट है तो महाजनपद क्या होगा? स्टेट, राज्य। तो बाद में देखो भारत के पहले कबीले थे, कबीले से जन बने और जन से भारत में छोटे 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 डिस्ट्रिक्ट बने, डिस्ट्रिक्ट से भारत में स्टेट बने, महाजनपद। कितने महाजनपद बने टोटल भारत में? महाजनपद काल में 16 महाजनपद आए। और ये महाजनपद मतलब अभी अगर देखा जाए तो भारत जैसा तो कुछ है ही नहीं ना। वो क्यों नहीं है? वो ये सारी चीजें भारत में हो रही है, लेकिन भारत जैसा कोई इसलिए नहीं है, एग्जिस्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि अभी कोई भी था ही नहीं। अभी तो छोटे छोटे जनपद थे, फिर वो 16 महाजनपद बने। जब कोई राजा आएगा जो पूरे 16 महाजनपद को जीत लेगा और फिर वो बनाएगा अखंड भारत। और लगभग हर महाजनपद अशोक ने जीत लिया था, लगभग हर एक महाजनपद अशोक ने जीत लिया था। तो भारत का एग्जिस्टेंस, जो संपूर्ण भारत है, उसका एग्जिस्टेंस मौर्य काल में आया है। समझे? उसका एग्जिस्टेंस कब आया? मौर्य काल में। अब अशोक ने 16 महाजनपद थे, उनमें से 15 जीत लिए थे, 14 जीत लिए थे, एक में उसने अपनी एनर्जी बहुत वेस्ट की। एक महाजनपद था, कौन सा महाजनपद है? कलिंग। कौन सा है? कलिंग। कलिंग में अशोक ने अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर दी थी और बाद में अभी उसको डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। आए समझे? यहां पे समाज में सरलता थी। एक चीज अपन ने व्यवसाय तो समझ ली, दूसरी चीज समझो, स्थायी जीवन नहीं था, स्थायी जीवन था, दूसरी चीज, तीसरी चीज समझो, यहां पे धर्म कैसा था, यहां पे भगवान का स्वरूप क्या था, वो समझना जरूरी है। क्लियर है? देखो ये बातें जब आपको समझ में आएगी तो देश में जो असहिष्णुता का माहौल, तथा कथित असहिष्णुता का माहौल या इनटॉलरेंस जो आप लोग बोलते हो, वो माहौल चल रहा था, ऐसा बोला जा रहा था, न्यूज़पेपर्स में आ रहा था, टीवी में आ रहा था, लगभग अभी वो इतना नहीं दिखता है। और हमें तो पता ही था वो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? मैं आपको बताता हूं, मैं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं। असहिष्णुता क्या? क्या हिंदू और मुस्लिम है, उनके बीच हो रहे छोटे मोटे मतभेदों को असहिष्णुता बोलना सही है क्या? हिंदू मुस्लिम में हो रहे छोटे छोटे मतभेदों को असहिष्णुता बोलना सही है क्या? या देश में क्या पिछले एक साल से असहिष्णुता चल रही है क्या? या क्या भारत में इनटॉलरेंस वाकई में क्या? क्या भारत एक टॉलरेंट नेशन, सहिष्णु देश नहीं है क्या? सहिष्णु मतलब सहनशील देश नहीं है क्या? भारत में बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं है क्या? इनके आंसर है बिल्कुल गलत चीजें हैं। भारत एक सहिष्णु देश है, भारत एक टॉलरेंट नेशन है। हम पे 712 में पहला आक्रमण हुआ था, पहला मुस्लिम आक्रमण 712 में हुआ था। कब हुआ था? 712 में। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में आक्रमण किया।
1192 में मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, 1526 में बाबर ने आक्रमण किया, आए समझे। अकबर आए 1556 में, अकबर आए 1605 और 1606 में जहांगीर आए, औरंगजेब आए, तरह तरह के राजा आए, तरह तरह के राजा आए, तरह तरह के राजा गए, बहुत राजा आए। भारत को सबने तलवार की दम पे तो जीत लिया, संस्कृति के दम पे कोई नहीं जीत पाया। भारत को तलवार के दम पे अनेक राजा आए, अनेक राजा गए। भारत को तलवार के दम पे तो बहुत राजाओं ने जीत लिया, संस्कृति के दम पे कोई नहीं जीत पाया, बल्कि उनको अल्टीमेटली भारत की संस्कृति को ही अपनाना पड़ा था। ऐसे नहीं, उनको भारत की संस्कृति और भारत के धर्म और भारत की समाज की इज्जत करना पड़ी, नहीं तो वो यहां पे टिक ही नहीं पाते। ऐसे नहीं तो यहां पे टिक ही नहीं पाते। और इसको आगे ले जाते हैं, अनेक राजा आए, अनेक राजा गए, तलवार की दम पे जीत लिया, धर्म और संस्कृति के बल पे नहीं जीत पाए। इतने सारे राजा भारत में आए, 712 से लेके 1707 तक कितने राजा आए। भारतीयों ने उन राजाओं का सम्मान किया, भारतीयों ने उन राजाओं को पद पे है और राजा की पूरी इज्जत की। कोई कोई राजा एक दो को साइड में रख देता हूं, उसके अलावा 1000 साल, 712 से लेके 1700 साल कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, भारतीयों ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राजा भी अच्छे होंगे। आए समझे। अंग्रेज भारत में आए 1608 में, कब आए भारत में 1606 में, इंग्लैंड भारत में कब आया 1606 में, एंट्री हो गई भारत में। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पहला युद्ध 1757 में लड़ा, बैटल ऑफ प्लासी। कौन सा युद्ध था? बैटल ऑफ प्लासी। एक और बार, भारत में अंग्रेज किस चीज के लिए आए थे? व्यापार करने के लिए या शासन करने के लिए? डू ब्रिटिशर्स वांटेड टू ट्रेड विद इंडिया और दे वांटेड टू रूल इंडिया? भारत में इंग्लैंड क्या करना चाहता था? भारत पे शासन करना चाहता था या भारत के साथ व्यापार करना चाहता था? इसका आंसर है, इंग्लैंड जब शुरुआत में आया था वो भारत के साथ व्यापार करना चाहता था, शासन करना नहीं। क्यों? इंग्लैंड भारत में कब आए? 1606। पहला आक्रमण भारत के खिलाफ भारत में ही। देखो, इंग्लैंड ने भारत में पहला युद्ध लड़ा था 1612 में, लेकिन वो भारत के खिलाफ नहीं लड़ा था, वो पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ा था। भारत में भारत के खिलाफ कब लड़ा था? 1757 में। आए समझ। अगर कोई भी राजा या कोई भी देश या कोई भी भारत में आएगा या किसी भी देश में जाएगा, अगर वो 1606 में आया, अगर उसको शासन करना होगा तो ज्यादा से ज्यादा 10 साल लेगा, 20 साल लेगा, 30 साल लेगा, 150 साल थोड़ी ना लगते। आप एक राजा हो, आपकी आयु ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? 90। अगर आप शासन करने की सोच रहे हो तो अगले 20-30 साल में सोचोगे, लेकिन 150 साल बाद भारत में भारत से पहला युद्ध लड़ा अंग्रेजों ने, इस बात से सिद्ध होता है कि इंग्लैंड भारत से व्यापार करना चाहता था। बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई थी इंग्लैंड की, करना पड़ा उनको शासन, जो कि सरासर गलत था। ठीक है, अब समझो, भारत में भारत से असहिष्णुता जैसी कोई चीज नहीं है, वही समझा रहा हूं आप लोगों को, और समझना बहुत जरूरी है। 1606 में इंग्लैंड आ गया भारत में, 1757 में भारत से पहला युद्ध लड़ लिया, 1857 की क्रांति कितने साल बाद हुई? 250 साल बाद। लगभग कितने साल बाद हुई? 250 साल बाद। 1857 की क्रांति में भारत ने पूरी अपनी टॉलरेंस को खो दिया, सहिष्णुता मतलब सहनशीलता खो गई 250 साल में। आप ये सोचो यार, 1000 साल में भारत ने कोई क्रांति नहीं करी, इतने सारे राजा आए, कोई क्रांति नहीं करी, 250 साल में ऐसा क्या हो गया था जो उन्होंने क्रांति कर दी? मतलब ये बता रहा हूं, इंग्लैंड ने भारत का कितना शोषण किया होगा, ब्रिटिशर्स ने भारत का कितना शोषण किया होगा,
और शोषण तो उन्होंने 1757 में ही शुरू कर दिया था, तब भी 100 साल लग गए क्रांति करने में। कौन कहता है हमें सहिष्णुता नहीं है? हम तो जब अति हो गई तब हम जागे 1857 में। हम तो सह रहे थे, हम तो ये मान रहे थे कि इंग्लैंड भी हमारे भले के लिए आया है, हम तो ये मान रहे थे 1000 साल से जो राजा है अच्छे हो बुरे कैसे भी हो, लेकिन वो भारत में रहे, भारत का विकास कर रहे और राजा सम्माननीय होता है, हम तो ये मान के चल रहे थे। लेकिन अगले 100 साल में इंग्लैंड के खिलाफ क्यों कर दिया? मतलब उन्होंने कितना परेशान किया होगा, इतना परेशान किया उसके बाद भी 100 साल लग गए। मतलब एट लास्ट जब कोई तरीका नहीं बचा तब करिए क्रांति भारतीयों ने। तो भारत में क्या सहिष्णुता नहीं है? क्या टॉलरेंस नहीं है? क्या टॉलरेंस है? टॉलरेंस है। अब हम कहते हैं ये न्यूज़पेपर में इंटॉलरेंस है या ये इंटॉलरेंस है या ये इंटॉलरेंस का माहौल चल रहा है या ये चल रहा है या वो चल रहा है और बड़े बड़े कमेंट आते हैं और बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। सहिष्णुता, शालीनता, टॉलरेंस, पेशेंस ये आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या न्यूज़पेपर में आ रहा है असहिष्णुता है भारत में, तो क्या वाकई में असहिष्णुता हो गई क्या? समझे? और अगर होती तो अभी पिछले दिनों 10 दिनों से क्यों नहीं है? होती तो डाउन हुआ है ना 10 दिनों में पिछले, तो पिछले 10 दिनों से क्यों नहीं है? समझे? इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। भारत एक ऐसा राज्य जो धर्म निरपेक्ष सेक्युलर कंट्री है, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष राज्य, राज्य का कोई सा भी धर्म नहीं है, ना वो हिंदू धर्म है ना वो मुस्लिम धर्म है, राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। भारत सबको खुश के एक्सेप्ट करता है, ये भारत है। 5000 साल पहले भी यही था, 2000 साल पहले भी यही था, 1000 साल पहले भी यही था, आज भी यही है। तो असहिष्णुता वैसहिष्णुता जैसी कोई चीज नहीं है। हमको इतनी दिनों बाद कोई अच्छी सरकार मिली है, रिफॉर्मिस्ट है, सुधारवादी है, कहती है अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना मेरा काम है। जनहित वादिता के वादे नहीं करती है सरकार कि पॉपुलिज्म के वादे करे, रिफॉर्मिस्ट करने की, रिफॉर्म करने की, सुधार करने की इसकी आकांक्षा और मंशा है। हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए, आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, और हमको बिल्कुल असहिष्णुता वैसहिष्णुता जैसी चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। हमको केवल अपने विकास पर ध्यान देना है बस। समझ? तो ऋग्वेदिक काल, उत्तर वेदिक काल, दोबारा चलते इस पे। ऋग्वेदिक काल में क्या था? समाज में तरह तरह के कर्मकांड नहीं थे, कठिनाई नहीं थी। इधर समाज में तरह तरह के कर्मकांड। कर्मकांड कैसे समझो? धर्म का स्वरूप समझो, धर्म कैसा था। यहां पे धर्म एकदम अच्छा था, यहां पे धर्म ऐसा नहीं है बुरा हो गया, धर्म में कर्मकांड आ गए। लिमिटेड देवता थे, लिमिटेड देवता थे, अनलिमिटेड देवता हो गए। यहां पे ऋग्वेदिक काल के लोग केवल उन देवता को मानते थे, उन भगवानों को मानते थे जिनका कोई भौतिक स्वरूप, फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। मतलब इंद्र देवता पानी आता है, पानी भौतिक चीजें, फिजिकल चीजें, हां भैया देवता। सूर्य दिखता है, सूर्य देवता। मन मर्जी की देवी देवता उत्तर वेदिक काल में गए, मन मर्जी के देवी देवता। यज्ञ होगा, हवन होगा, अगरबत्तियां जलाना है, कर्मकांड, अंधविश्वास, रूढ़िवादी प्रथाएं, ट्रेडिशनल अप्रोच, कर्मकांड वगैरह और जादू टोना वगैरह, वो कहां पे आ गया? उत्तर वेदिक काल में। अभी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझो, ऋग वेदिक काल में आज अच्छा शर्मा का बेटा कौन, सरनेम क्या होगा शर्मा के बेटे का? शर्मा। वर्मा के बेटे का? वर्मा। सही है? वर्ण व्यवस्था, चार वर्ण थे भारत के, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यही थे। यहां पे वर्ण व्यवस्था थी कर्म मूलक और यहां पे थी जन्म मूलक। मतलब ब्राह्मणों का काम क्या था? पूजा पाठ से ज्यादा ब्राह्मण का काम होता है पढ़ाना, टीचिंग करना, ज्ञान देना। और दूसरा काम क्षत्रिय, देश की रक्षा करना, सैनिक बन जाना। वैश्यों का काम
व्यापार करना, शूद्रों का काम इन तीनों की सेवा करना, ठीक है, ये चार हो गए। अच्छा, अगर कोई भी एक क्षत्रिय है, उसका एक लड़का हुआ, वो ये चाहता है कि वो व्यापार करे, तो उसको फिर क्या बोलेंगे? क्षत्रिय नहीं, उसको क्या बोलेंगे? जो आप कर्म करोगे उसके आधार पे आपका वर्ण होगा। कितनी शानदार व्यवस्था, तो जातिवाद आएगा ही नहीं। आप चाहे तो शर्मा लगा लो, आप चाहे तो वर्मा लगा लो, आप चाहे तो राठौर लगा लो, आप चाहे तो रघुवंशी लगा लो, आप चाहे तो सिंह लगा लो। समझ में आ रहा है ना? जैसा आप कर्म करोगे उसमें आधार पे आपका वर्ण होगा। लेकिन यहां पे वर्ण क्या हो गया? जन्म मूलक, मतलब ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है तो ब्राह्मण। अब इससे सबसे ज्यादा किसकी स्थिति में गिरावट आई? इससे सबसे ज्यादा गिरावट आई शूद्रों की स्थिति में, क्योंकि वो तो एकदम बॉटम हिस्सा रह के रह गए और वो तो अब उठ ही नहीं सकते। जन्म मूलक हो गया, वो तो तीनों की सेवा, तो सबसे ज्यादा गिरावट। एक चीज बताता हूं आपको, यहां पे एक देवता थे पूषण, यहां पे एक देवता थे पूषण देवता। इतनी गिरावट आई थी, यहां पे एक देवता थे पूषण देवता, इतनी गिरावट आई थी शूद्रों की स्थिति में कि पूषण ऋग्वेदिक काल में मेन व्यवसाय क्या था? पशुपालन, एनिमल रियरिंग। तो ऋग्वेदिक काल में जो पूषण थे वो किसके देवता थे? पशुओं के। और उत्तर वैदिक काल में पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड में पूषण को बना दिया शूद्रों का देवता, मतलब पशुओं से तुलना की जाने लगी उनको। इतनी ज्यादा गिरावट आ गई तो समाज में तो अब कर्मकांड भी घुस गया, अंधविश्वास भी घुस गया, जादू टोना भी घुस गया, तरह तरह की चीज हो गई। और अभी इंपॉर्टेंट चीज आना बाकी है दोस्तों, अगली चीज सुनो क्या हुआ। दोनों का अपन तुलना कर रहे हैं, यहां पे राजा को चुना जाता था और यहां पे राजा वंशानुगत होता था। वंशानुगत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। अब राजा के हाथ में ज्यादा शक्ति कब होगी? जब वो चुन के आएगा तब। मनमर्जी की सत्ता कब, आर्बिटरी पावर जिसको बोलते हैं, मनचाही शक्ति का इस्तेमाल करना, वो कब होगी? जब वो चुन के आएगा तब। जब वंशानुगत होगा तब, जब वो वंशानुगत होगा तब। क्यों? यहां पे तो उसको दिक्कत ही नहीं है, किसी ने चुना नहीं है तो कोई हटा भी नहीं सकता। मनमर्जी की शक्तियों का इस्तेमाल करना मतलब राजा, राजा का काम ऋग्वेदिक काल में मेन ये था, लोग बागों की रक्षा करना। क्या था? लोग बाहु की रक्षा करना। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? साम्राज्य का विस्तार करना, एम्पायर का एक्सटेंशन करना। एम्पायर का एक्सटेंशन मतलब, एम्पायर का एक्सटेंशन मतलब साम्राज्य विस्तार में खून खराबा तो हो गई, एक राज्य के दूसरे राज्य में जाना है, महाजनपद जीतना है, हटाओ इसको, युद्ध नीति का इस्तेमाल करो, हटा दो इसको पूरी तरीके से, साम्राज्य खत्म कर दो, आज से यह साम्राज्य हमारा होना चाहिए। तो ऋग्वेदिक काल में राजा का काम था अपनी प्रजा का रक्षा करना, उत्तर वैदिक काल में राजा का काम क्या हो गया? साम्राज्य का विस्तार करना। और राजा का पद कैसा हो गया? वंशानुगत। वंशानुगत हुआ तो मनचाही शक्ति आ गई, शक्ति आ गई तो शक्ति भ्रष्ट करती है, जितनी ज्यादा शक्ति उतनी ज्यादा भ्रष्ट। एक कहावत है, पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, सत्ता भ्रष्ट करती है और परम सत्ता परम भ्रष्ट करती है, परम सत्ता परम भ्रष्ट करती है और सत्ता भ्रष्ट करती है। तो राजा के हाथ में ज्यादा ताकत आ गई। अब धीरे 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 एक ऐसा समाज था, कौन से अभी थोड़ी देर पहले निकले, हड़प्पा, जिसमें कुछ भी नहीं था ऐसा। ऋग्वेदिक काल बेहतरीन राजा, कोई टेंशन नहीं है। उत्तर वैदिक काल कर्मकांड वगैरह गए, तो अब कठिनाई आने लगी, आने लगी, आने लगी, आने लगी, आने लगी। अच्छा, ये जो वर्ण व्यवस्था बनी, ये जो वर्ण व्यवस्था बनी, इस वर्ण व्यवस्था में दिमाग खराब होने लगा क्षत्रियों का। क्यों? उनको ये जन्म मूलक वर्ण व्यवस्था पसंद नहीं आई। आए समझ में कि ये क्या पहले अच्छा था, अब ये क्या हो गया? तो अब जब सरलता, सरलता कठिनाई ने सरलता को ढक लिया, अब कठिनाई से सरलता का मार्ग ढूंढना है, तो वो मार्ग ढूंढा क्षत्रिय ने। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्यों आए थे? देखो इसको समझो, एक बहुत शानदार चीज समझाता हूं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म आने का कारण यह था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म मत है,
धर्म और मत में अंतर होता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म कौन से धर्म है? क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय मत है, ठीक है। क्यों आए ये क्षत्रियों में से निकल के ये सारी चीजें क्यों आई? उनको ये जन्म मूलक व्यवस्था अच्छी लग रही थी। क्यों नहीं लग रही थी? शूद्रों की दशा में गिरावट आने लगी। और एक और बात बताता हूं, सबसे ज्यादा गिरावट तो महिलाओं की स्थिति में आई। यहां पे कैसे समझो, ऋग्वेदिक काल में स्त्री को सारे अधिकार थे, राजा चुनने में स्त्री को अधिकार था, पढ़ाई करने का स्त्री को अधिकार था, इंटर कास्ट मैरिज करने का, अंतर जाति विवाह करने का स्त्री को अधिकार था, अपने पसंद के लोग व्यक्ति से शादी करने का स्त्री को अधिकार था, अपने लाइफ के डिसीजन लेने का स्त्री को अधिकार था, विधवा विवाह होता था। और फिर यहां पे पूरी स्त्री की दशा में गिरावट आ गई। अंतर जाति विवाह बंद, विधवा विवाह बंद, पढ़ाई वढ़ाई बंद, घर का काम करो, और सती प्रथा और शुरू हो गई। तो ये तो बहुत खतरनाक, मैंने बोला ना उल्टा इतिहास, सरलता कठिनाई, स्त्री की दशा में गिरावट, सुधार गिरावट। अब आपको पता है ये जो सती प्रथा अब आ गई 4,500 साल पहले, उसका मैटर सोल्व होगा 1829 में, मतलब 4,000 साल बाद तो मैटर सोल्व हुआ है इसका। और ये मैं क्या समझा रहा हूं, मतलब ऋग्वेदिक टाइम, एक बात बताओ स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्यों बोला था वेदों की ओर लौटो, क्यों बोला था वेदों की ओर लौटो? वो ऐसे समाज की कल्पना कर रहे थे जिसमें सारी चीजें, तो यहां पे उल्टा सब कुछ हो गया, स्त्री की दशा में भयंकर गिरावट आ गई, ये सारी चीजें हुई। सरलता ढकी हो गई, कठिनाई आ गई, जैन धर्म बौद्ध धर्म आए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया सरलता 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 सरलता, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आप इस वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को कुछ स्तर नहीं मिल पा रहा है ना, आओ शूद्रों बौद्ध धर्म में आ जाओ, जैन धर्म में आ जाओ, हम आपको पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। मतलब महात्मा बुद्ध ने यह समझाया कि जीवन में जिनको एशिया का ज्योतिपुंज भी बोला जाता है, महात्मा बुद्ध को जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनके बारे में ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं, अभी तो सारे राजा लाने भारत में। तो महात्मा बुद्ध जीवन की सच्चाई प्राप्त करने में या सरलता का मार्ग ढूंढने में इतने लुप्त हो गए थे कि ना तो फिर उन पे शूल का असर हुआ, ना ही फिर उन पे फूल का असर हुआ। शूल भाला, फूल किसी का असर नहीं हुआ, ये चीज हो गई। तो फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने देखो, हड़प्पा ऋग्वेदिक पीरियड, उत्तर वेदिक काल पोस्ट ऋग्वेद पीरियड, इसके बाद कौन से धर्म आए, अगली चीज क्या हो गई, पूरी टाइमलाइन बना देता हूं मैं आपको। सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? हड़प्पा। फिर क्या पढ़ा हमने? ऋग्वेदिक पीरियड। फिर क्या पढ़ा हमने? पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड मतलब उत्तर वेदिक काल। फिर क्या पढ़ा हमने? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। लेकिन आपको याद होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और ये देखिए, ये जो उत्तर वेदिक काल का अंत है इसकी शुरुआत हुई थी लगभग 3000 BC से, इसकी शुरुआत हुई थी लगभग 1500 BC से, 1000 BC तक ये चला, और फिर 1000 BC से 600 BC तक ये चला, और फिर 600 BC के बाद 6th century BC आ गई, 6th शताब्दी ईसा पूर्व आ गई। 6th शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में धार्मिक आंदोलन हुआ। धार्मिक आंदोलन क्यों हुआ था? सरलता को ढूंढने के लिए, कट्टरता आ गई थी ना जो, सरलता को ढूंढने के लिए। तो जब धार्मिक आंदोलन हुआ तो फिर इसमें कुल मिला के 62 नए धर्म आए थे। कितने धर्म आए थे? 62 नए धर्म आए थे। उनमें से दो कौन से थे? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और कौन से थे? वैष्णव शैव और बाद में फिर इस्लाम धर्म भी और ईसाई धर्म भी आया, भारत में नहीं लेकिन आया, आ गया। ये दोनों धर्म के बारे में समझ आया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म कौन से थे? क्षत्रिय। क्या ढूंढ रहे थे? सरलता। फिर बाद में जो राजा आए, इसके साथ ही एक चीज ध्यान करो, जनपद इसी समय आ गया महाजनपद काल।
कौन सा आ गया? अच्छा, इसमें राजा था क्या? नहीं था। इसमें राजा था क्या? था, लेकिन मेन काम जनता की सेवा, इसमें साम्राज्य विस्तार करना। तो अब महाजनपद काल में राजा का काम होगा साम्राज्य का विस्तार करना। 16 महाजनपदे मगध है, अवंती है, और कोशी है, और एक कौन सा बताया था आपने, अशोक वाला, कलेंगे, ये सारे महाजनपद थे। अब राजा जीतने की कोशिश करेंगे, तो अशोक से पहले 15 एक राजा आ गए। कितने राजा गए? 10-15 राजा गए। सबसे पहले कौन सा वंश आया? हर्यक वंश। दूसरा कौन सा वंश आया? शिशुनाग वंश। तीसरा कौन सा वंश आया? नंद वंश। चौथा कौन सा वंश आया? मौर्य वंश। तो इतने सारे वंश हो गए थे। मौर्य वंश का पहला राजा कौन होया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन आया? अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में बहुत सारे महाजनपद उसने जीत लिए थे, तो वो सारे विरासत में अशोक को भी मिलने थे। तो अशोक ने बाद में और मेहनत करके और सारे जीत लिए। तो अशोक ने पूरे साम्राज्य का विस्तार कर लिया और भारत का एक स्वरूप दे दिया। और फिर मौर्य काल का पतन हुआ क्यों? फिर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य ने ट्रेनिंग। अशोक के काल में भी चाणक्य की मृत्यु हो गई थी, लेकिन अशोक के प्रारंभिक जीवन में चाणक्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। हुआ क्या था? अशोक ने जिस विस्तारवादी साम्राज्य, इतना बड़ा जो साम्राज्य अशोक ने बनाया था, उसको उसकी पीढ़ी संभाल नहीं पाई। साम्राज्य सक्सेस पाना फिर भी सरल हो सकता है, सब सक्सेस को मैनेज करना कठिन है। सफलता पाना फिर भी आसान हो सकता है, सफलता का मैनेज करना कठिन है। आईएएस बनना फिर भी आसान हो सकता है, आईएएस बन के उसको मैनेज करना पद को, दैट्स ए रियली बिग चैलेंज, दैट्स ए रियली बिग चैलेंज। तो अशोक बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया। और फिर क्या हुआ था? उसकी जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का बृहदत्त, वो इतने बड़े साम्राज्य को नहीं संभाल पाया और 185 में मौर्य काल, मौर्य वंश की सरेंडर हो गया था। बताई थी कि अशोक के काल तक, याद आ रहा है, जनपद महाजनपद पहले छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। कबीले से क्या बने? डिस्ट्रिक्ट, मतलब जनपद, और जनपद से क्या बने? महाजनपद बने। हुआ क्या था? भारत के जो टोटल क्षेत्र था ना, वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं। भारत जो पूरा था वो कितने महाजनपद में बटा हुआ था? 16। इसमें से एक महाजनपद था मगध। क्या नाम था उसका? मगध। सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा था? मगध। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा था? मगध। एरिया में सबसे बड़ा कौन सा था? उज्जैनी अवंती। ताकतवर कौन सा था? मगध। सबसे बड़ा कौन सा था क्षेत्र में, एरिया में? उज्जैनी अवंती। क्लियर है? अब सवाल यह आता है कि मगध स्ट्रॉन्ग क्यों था? पहले मगध के बारे में समझा दूं, फिर अशोक पे चलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी अशोक की। मगध के बारे में समझते हैं, मगध के स्ट्रॉन्ग होने के कारण क्या थे। तो वो कारण दो हैं, उनको समझो। पहला कारण यह है, 16 महाजनपद में से मगध इसलिए शक्तिशाली था क्योंकि ये गंगा और यमुना के दोआब के बीच में था। क्या होता है दोआब, उसको समझो। गंगा यमुना का दोआब मतलब दो नदियों के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं दोआब। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम? दोआब बोलते हैं। ये जो गंगा और यमुना के नदी के बीच का क्षेत्र है मगध, आपको ये सबको पता है, सिंपल सी बात है कि अगर दो नदियों के बीच का क्षेत्र होगा वो उपजाऊ होगा, फर्टिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? उपजाऊ क्षेत्र होगा तो फसल ज्यादा होगी, कृषि ज्यादा होगी, एग्रीकल्चर ज्यादा होगा, पैसे का ज्यादा आएगा। तो इसलिए मगध स्ट्रॉन्ग था, गंगा यमुना दोआब। दूसरा कारण, भारत है ना, उसको थोड़ा सा और मैं समझाता हूं। ऊपर क्या चल रहा है? हिमालय रेंज। क्या चल रहा है ऊपर? हिमालयन। यहां पर क्या चल रहा है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। यहां पे क्या चल रहा है? अरेबिक ओशन, मतलब अरब महासागर। यहां पे क्या चल रहा है?
इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर, ये चल रहा है। अब आप मेरे को एक चीज देख के बताओ, पानी का क्षेत्र, पानी का क्षेत्र, पानी का क्षेत्र और पहाड़ का क्षेत्र, कभी भी भारत में जब तक नाव का, शिप का आविष्कार नहीं होगा तो क्या इन तीनों जगह से आक्रमण हो सकते हैं क्या? ये तो तीनों पानी के क्षेत्र है, कोई भी आएगा तो क्या तैर के थोड़ा आएगा इतनी दूर, उसको जहाज वगैरह तो चाहिए ना आने के लिए। तो ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं, यूरोप कहां पे पड़ रहा है? यहां पे। शुरुआत में भारत में जितने भी आक्रमण हुए वो केवल इस क्षेत्र से हुए, उसका कारण क्या है समझो, यहां पे तो पानी का क्षेत्र है, यहां से नहीं आ सकता। ऑस्ट्रेलिया भारत पे आक्रमण क्यों नहीं कर सकता? इंडियन ओशन है। यहां के देश क्यों नहीं कर सकते? अरेबिक ओशन है। अभी तो जहाज का आविष्कार ही नहीं हुआ, जब जहाज का आविष्कार होगा तभी तो यूरोप से लोग आएंगे ना। यहां से चाइना क्यों नहीं कर सकता? हिमालयन रेंज है। तो फिर आक्रमण कहां से हुआ? मोहम्मद गोरी कहां से आया? सिकंदर कहां से आया? यहां पे जो हिमालयन रेंज है, यहां पे एक पर्वतमाला है जिसका नाम है हिंदुकुश पर्वतमाला। क्या नाम है इसका? हिंदुकुश पर्वतमाला। इस अच्छा दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? दोआब। और दो पहाड़ों के बीच के गैप को बोलते हैं दर्रा। क्या बोलते हैं? पास। क्या बोलते हैं? दर्रा। दो पहाड़ों के बीच के गैप को बोलते हैं दर्रा। हिमालय पर्वत में, हिंदुकुश पर्वतमाला में एक दर्रा है जिसका नाम है खेबर पास। उस खेबर पास से होके ही सब लोग आग, तो खेबर पास से सब लोगों ने एंट्री की। मतलब मैं ये बता रहा हूं, प्राचीन और मध्यकालीन भारत, एनिशियंट और मिडिवल हिस्ट्री में सारे आक्रमण कहां से होंगे? यहीं से होंगे। और फिर मॉडर्न हिस्ट्री में जहाज का आविष्कार हो जाएगा, इसलिए फिर यूरोप इंडियन ओशन से होती है भारत में एंट्री लेगा। आया समझ? हो ही नहीं सकता ना, इसके अलावा कोई भी रास्ता ही नहीं है। जहाज का आविष्कार अभी हुए नहीं है, 14th-13th सेंचुरी में जब भी होगा तब आएंगे वो अपने जहाज को लेके। ये चीज समझ में आई? एक और मैं अगर आपको ज्योग्राफी का फिजिकल फीचर बताऊं इंडिया को, तो यहां पे बीच में पड़ती है विंध्याचल पर्वतमाला। क्या पड़ रही है बीच में? विंध्याचल पर्वतमाला। मगध भी लगभग यहीं पड़ रहा है। ये जो विंध्याचल पर्वतमाला है ना, पर्वत जहां भी होते हैं उसके आसपास सारा क्षेत्र जंगल का होता है। यहां पे घने घने जंगल थे, तो मगध को बहुत सारी लकड़ी और जंगली हाथी मिल जाते थे। ये दो कारण थे मगध के सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने के। आया समझ? इसलिए कोई भी राजा अपना साम्राज्य सबसे पहले मगध में ही, एक सेंट्रल टाइप मान लो आप, मगध कैपिटल टाइप मान लो। आया समझ? फिर वो पाटलिपुत्र वगैरह वो चेंज होते रहते थे। दोनों चीज समझ आई? मगध सबसे स्ट्रॉन्ग, उज्जैनी सबसे बड़ा, अवंती सबसे बड़ा। अब आते हैं अशोक की कहानी पे। अशोक, अच्छा आपने सुना है ब्रिटेन ने भारत को कॉलोनी बनाई, ब्रिटेन ने अमेरिका में कॉलोनियां बनाई, ब्रिटेन ने साउथ अफ्रीका में कॉलोनी बनाई। हमने कभी ये सुना है क्या? इंडिया ने अपना उपनिवेशवाद बनाया, इंडिया ने अपनी कॉलोनी बनाई, सुना है क्या? नहीं सुना है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, क्या भारत के पूरे इतिहास में भारत को एक भी बार किसी दूसरे देश को कॉलोनी बनाने का एक भी अवसर मिला क्या? तो आंसर क्या होगा? यह आ सकता है, मीन्स में बिल्कुल आ सकता है। भारत को कभी भी ऐसा मौका नसीब हुआ क्या कि जैसे पूरे विश्व के देशों ने कॉलोनियां बनाई है वैसे भारत भी अपना उपनिवेशवाद बना पाए या अपनी कॉलोनी बना पाए? ऐसा एक ही अवसर केवल अशोक के काल में भारत को मिला था। तो सोचो अशोक कितना महान सम्राट रहा होगा। अशोक के काल में लगभग उसने 90% भारत के क्षेत्र को जीत लिया था, पूरा राज्य उसका था, संपूर्ण भारत बन चुका था, लेकिन एक में उसने अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी जिसका नाम था कलिंग। कलिंग में एनर्जी वेस्ट करने के बाद अशोक की हिस्ट्री सुनो, तब उसको और डेप्थ में समझ पाएंगे। अशोक के दादाजी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। पिताजी कौन थे? बिंदुसार। और मौर्य वंश का राजा था। इतनी बात समझ आई? 298 में बिंदुसार शासक बने, 298 में। 273 में बिंदुसार की मृत्यु हुई। 269 में अशोक ने अपना राज्य तिलक कराया। अच्छे सुना,
अच्छा ये सोचा जाए कि सर बिंदुसार की मृत्यु तो 2273 बीसी में हुई थी, 273 बीसी में हुई थी, तो अशोक ने अपना राज्याभिषेक 4 साल बाद क्यों कराया? उसका आंसर है, अशोक के बहुत सारे भाई थे, अशोक ने यह प्रण लिया था कि जब तक मैं अपने सारे भाइयों को हटा नहीं दूंगा तब तक मैं अपना राज्याभिषेक नहीं कराऊंगा। तो 4 साल तक गृह युद्ध चला था, गृह युद्ध मतलब आपसी में युद्ध। तो 4 साल के लंबे गृह युद्ध के बाद 269 बीसी में अशोक ने अपना राज्य तिलक करा लिया। यहां तक समझाया? अपने शासन के 8वें वर्ष में, मतलब 261 बीसी में, अपने शासन के 8वें वर्ष में, मतलब 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया। कलिंग पे आक्रमण करने के कारण अलग अलग किताबों में अलग अलग बताए गए, हमें उन कारणों पे नहीं जाना है। एक और बार बताता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, 273 में बिंदुसार गए, 269 में अशोक ने अपना 4 वर्ष के लंबे गृह उसके बाद अपना राज्याभिषेक कराया, और अपने शासन के 8वें वर्ष में उन्होंने क्या करा? कलिंग पे आक्रमण किया। जब उन्होंने कलिंग पे आक्रमण किया, भयंकर लोग मरे और अशोक ने स्वयं के हाथों से भीषण नरसंहार किया, बहुत लोगों को मारा। क्लियर? एक व्यक्ति थे उस समय उपगुप्त। उपगुप्त उस समय भारत में आए थे। उपगुप्त एक चीनी यात्री थे, वो भारत में आए थे। आए समझे? उपगुप्त नामक चीनी यात्री भारत में क्यों आए थे? बौद्ध धर्म के विषय में जानने के लिए आए। समझे? क्योंकि याद करो थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म वो धर्म थे जो समाज में कठिनाई के मार्ग से दोबारा सरलता ढूंढने का काम कर रहे थे। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में क्या चुकी थी समाज में? कठिनाइयां। ये दोनों धर्म क्या ढूंढेंगे आप? सरलता का मार्ग ढूंढेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने के लिए लगभग इसी समय किसकी एंट्री हुई? उपगुप्त की। उपगुप्त इसके बारे में पढ़ने आए थे। उपगुप्त ने जब भारत में एंट्री ली तो गलती से वो कलिंग के मैदान में प्रवेश कर गए। जब वो कलिंग के मैदान में गए तो किस तरीके से उन्होंने वर्णन किया था? उन्होंने ये बोला था कि जब मैं कलिंग के मैदान में गया तब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरी जगह वो कीचड़ी कीचड़ कीचड़ी कीचड़ कीचड़ी कीचड़ है। वो कीचड़ दरअसल लोग बागों के खून और मांस को मिलकर मिक्स हो गया था, उसका कीचड़ था। इतना भीषण नरसंहार अशोक ने किया था। ईगो पे ले ली बात, दिल पे ले ली बात, फिर तो भयंकर तबाही मचा दी अशोक ने। अब उपगुप्त जब आए, अशोक ने क्या ये पहली बार कराए क्या? अशोक ने 4 साल का गृह युद्ध लड़ा, अपने भाइयों को कटाया, 261 में और लोगों को मारा। उपगुप्त ने अशोक से बोला, महाराज क्या आपके जीवन का एक ही उद्देश्य है क्या? लोगों को मारना, लोगों को काटना, क्या आपके जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है क्या? तो फिर अशोक का इन सारे जो भी चीजें थी इनके कारण हृदय परिवर्तन हो गया और फिर उन्होंने तलवार का त्याग कर दिया और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। और उसके बाद, इसके बाद उनका किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था? कलिंग पे आक्रमण के बाद उन्होंने अपनी तलवार को त्याग दिया। बौद्ध धर्म की दीक्षा उनको किसने दी? उपगुप्त ने। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना लिया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। क्या करना है जीवन भर? बौद्ध धर्म का प्रचार। बद्र बाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को दी थी। बद्र बाहु ने किसको दी थी? चंद्रगुप्त। अशोक ने तो बौद्ध धर्म अपनाया था। हुआ क्या था उसकी स्टोरी भी सुन लो। आपका क्वेश्चन है कि बद्र बाहु ने दी थी, जैन धर्म किसने अपनाया था? मौर्य पीढ़ी में सबके अलग अलग वंश है, इसलिए क्वेश्चन का डाउट आना जनरल बात है। दादाजी का धर्म क्या है? जैन धर्म। बिंदुसार का धर्म था आजीवक संप्रदाय। क्या धर्म था? इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, बिंदुसार का धर्म कौन सा था? आजीवक संप्रदाय। अशोक का धर्म कौन सा था? जैन धर्म। आया समझे? सॉरी, बौद्ध धर्म। अशोक का धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म। बद्र बाहु और स्थूल बद्र दो व्यक्ति थे। एक तो बद्र बाहु थे जिन्होंने कल्पसूत्र की रचना की थी
और एक स्थूल भद्र थे। भद्रबाहु दिगंबर जो जैन धर्म में दो हैं, दिगंबर उसके मैनेजर थे, स्थूल भद्र श्वेतांबर के मैनेजर थे। भद्रबाहु दिगंबर के थे, दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 12 साल का लंबा अकाल पड़ा था। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं जैन धर्म में ये दो किस तरीके से बट गए, ये भी आपको मैं समझा देता हूं, ये क्वेश्चन आया इसलिए। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 12 वर्ष का चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स भी बोला जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 12 साल का लंबा काल पड़ा। एक व्यक्ति थे स्थूल भद्र, क्या कौन थे? स्थूल भद्र। स्थूल भद्र ने कहा हम यही रहेंगे। अब अकाल पड़ा है तो जब भी अकाल पड़ता है कुछ लोगों को माइग्रेट तो करना पड़ेगा ना, और दूसरी सिटी में वहां पे तो खाने को कुछ भी नहीं है, तो स्थूल भद्र कहां पे रहे? वहीं पे रहे। भद्रबाहु दक्षिण भारत में चले गए, दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला में कर्नाटका में चले गए। कहां पे चले गए? कर्नाटका में चले गए। 12 साल बाद जब अकाल खत्म हुआ तो भद्रबाहु दोबारा कहां पे रिटर्न कर रहे? यहीं पे रिटर्न। जब भद्रबाहु गए तो उन्होंने ये पाया कि वैसे तो जो पहले सिस्टम था वो ये था, अपने वस्त्र त्याग दो, अपने वस्त्र त्याग दो, नग्न अवस्था में रहो। जब भद्रबाहु गद्रबाहु दोबारा गए तो उन्होंने यह पाया जैन धर्म का उस समय जो मेन उसूल था नग्न अवस्था में रहना, उसके विपरीत स्थूल भद्र एंड पार्टी श्वेत वस्त्र धारण करके खड़ी, तो वो तो विवाद हो गया, इसलिए दो भागों में बढ़ गया। एक तो कौन सा? स्थूल भद्र श्वेतांबर। दिगंबर कौन से? भद्रबाहु, जिन्होंने काय की रचना की थी? कल्पसूत्र। और यही 298 में, याद आ रहा भी लिखा था 298 चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी और बिंदुसार राजा बने थे, यहीं पे 298 में चंद्रगुप्त मौर्य गए। कहां पे गए? दक्षिण भारत में कर्नाटका में श्रवण बेलगोला में गए और अपने प्राणों का त्याग संलेखना विधि से किया। संलेखना विधि क्या होती है? पानी और भोजन को छोड़ दो, निराहार और निर्जल रह के प्राणों को त्याग करने को बोलते हैं संलेखना। निराहार और निर्जल, निराहार आहार खाना भोजन, निराहार खाना नहीं खाना, निर्जल पानी नहीं पीना, बिना पानी पिए और बिना खाना खाए अपने प्राणों के त्याग को करने को बोलते संलेखना विधि। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों का त्याग कौन सी विधि से किया था? संलेखना विधि से किया था। और अभी वेरी गुड, ये सारी चीजें आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। वो उस समय थे, उपगुप्त ने किसको दी थी? अशोक को दी थी। इतनी बात समझ आई? अब क्या हुआ? अशोक ने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना लिया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म का तो चार ईयर को दोबारा, एक तो 298 याद आ रहा है कि नहीं, उसके बाद कौन सा बताया था? 273, उसके बाद कौन सा बताया था? 269, उसके बाद कौन सा बताया? 261, अबाउट 259 पे, अबाउट 259 पे। अब अशोक की एक बेटी थी जिसका नाम था सुमित्रा, और एक बेटे थे जिसका नाम क्या था? महेंद्र। एक बेटे था और एक बेटी थी, बेटी का नाम था सुमित्रा और बेटे का नाम था क्या था? महेंद्र। अब अशोक को क्या करना है? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, ठीक है साहब बिल्कुल करना है। तो अशोक ने कहा कि बेटी तू क्या कर रही है आजकल? कुछ नहीं पापा, अभी अभी मैं ब्यूटी पार्लर से आई हूं। और कल क्या कर रही है? वही कल दोबारा ब्यूटी पार्लर पे जाना है। ये ब्यूटी पार्लर वगैरह छोड़, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर। तो अशोक ने इन दोनों को श्रीलंका भेज दिया बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। देखो दो चीजें समझा रहा हूं, समझो बड़े इंटरेस्टिंग है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, बातें भी एक ही थी। जैन धर्म इंटरनेशनल धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म को इंटरनेशनल किसने बनाया? अशोक ने। बौद्ध धर्म को इंटरनेशनल किसने बनाया? अशोक ने बनाया। क्यों? क्योंकि उसने यात्राओं पर भेजा, आया समझ में? अशोक ने इसको इंटरनेशनल स्वरूप दिया। तो अशोक के काल में, महान सम्राट अशोक के काल में बहुत सारी चीजें हुई है ना, हमारे जो सिक्के पे एक सिंबल होता है वो सारी चीजें भी आई,
अखंड भारत आया, अस्तित्व में आया, पूरा भारत आया। लेकिन मैंने आपको बताया था मौर्य काल का पतन क्यों गया, क्योंकि जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना अशोक ने करी थी उसको उसके जो भी उत्तराधिकारी थे वो संभाल नहीं पाए। आए संजय, वो उसको संभाल नहीं पाए। वेरी गुड, अशोक की हिस्ट्री खत्म। मौर्य वंश के बाद काफी वंश आए, काफी वंश आए, काफी वंश आए, हटते गए आते गए, हटते गए आते गए, हटते गए आते गए। इतिहास में एक वंश आता है, रूल करता है, जाता है। एक ही वंश रूल करता रहे नहीं होता, ऐसा बहुत कम होता है, खासकर भारत में। ये हो गया। अब हम डायरेक्ट जंप लगा रहे हैं, अभी तो बीसी में चल रहे थे, अब चलते एडी में, क्योंकि हमको ओवरव्यू लेना है इनके बारे में, एक एक लेक्चर लेना है हमको अलग, वो बाद में लेंगे। इनके बारे में सबके बारे में एक एक बार पढ़ेंगे, वो बाद में होगा, अभी हम ओवरव्यू समझ रहे हैं। अब हम आते एडी पे, जो 62 नए धर्म आए थे ना, उसमें एक और धर्म था, इस्लाम धर्म। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट प्राचीन से हटा के देखो, प्राचीन में ये सारी चीजें हुई, मौर्य काल वगैरह है, बाद में एक और काल, एक और वो आया था गुप्त काल। गुप्त काल प्राचीन भारत का गोल्डन टाइम बोला जाता है। गुप्त काल के बाद में राजपूत एज वगैरह आई थी और राजपूत एज वगैरह चली। अब जितनी भी प्राचीन भारत है उसको मैं मध्यकालीन में डिस्कस कर लूंगा, इस पे अलग से डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अब डायरेक्ट आ रहे हैं काहे पे, मीडियवल इंडिया पे। मीडियवल इंडिया पे एंट्री करते हैं। मीडियवल इंडिया मतलब मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत को समझो। देखो तो अब मध्यकालीन भारत की शुरुआत तो दरअसल 1192 से बोलता है कोई, कोई बोलता है 1206 एडी, कोई बोलता है और अलग चीजें। हम बोलेंगे 712 से। कहां से बोलेंगे? 712 से। क्यों? 712 में भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ, पहला मुस्लिम सफल आक्रमण हुआ। हुआ क्या था और यह आक्रमण कौन सा था? तुर्कों ने किया था, गजनी ने किया था या अरबों ने किया था? भारत पे पहले जो विदेशी आक्रमण हुआ था वो किसने किया था? अरब्स ने किया था। किसने किया था? अरबों ने किया था। तो अरब के एक व्यक्ति थे मोहम्मद बिन कासिम, अरब के राजा थे मंसूर हज्जाज। कौन थे? मंसूर हज्जाज। मंसूर हज्जाज ने दूर देश अरब से अपना एक टैलेंटेड आदमी 712 में भारत में भेजा, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में एंट्री ली। भारत के राजा, भारत के एक क्षेत्र के, सिंध वगैरह के क्षेत्र के राजा थे उस समय राजा दाहिर। राजा दाहिर से उन्होंने युद्ध लड़ा, जिसका नाम है रावोर ब्राह्मणवाद का युद्ध। उस रावोर ब्राह्मणवाद युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम की विजय हुई, राजा दाहिर हार गए और भारत में पहला सबसे मुस्लिम आक्रमण किया मंसूर हज्जाज के नेतृत्व में मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन क्या सर, इसके पहले कोई आक्रमण नहीं हुआ क्या? बिल्कुल हुआ है 711 में, लेकिन वो सफल नहीं था। उसी मंसूर हज्जाज ने एक साल पहले दो व्यक्ति, अब्दुल्लेला और बुंदेला, क्या नाम है उनका? अब्दुल्ला और बुंदेला। उसी मंसूर हज्जाज ने 711 में अब्दुल्ला और बुंदेला नामक व्यक्ति को भारत में भेजा था। उन्होंने युद्ध लड़ा लेकिन वो युद्ध हार गए थे। फिर वो जब हार के गए तो दोबारा कौन आए? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जब आए, उन्होंने युद्ध लड़ा राजा दाहिर से, रावर ब्राह्मण का बात का युद्ध, और वो जीत गए। आगे से हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क 712। क्यों? भारत में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण। इसके बाद अगला लैंडमार्क कौन सा आएगा? 1192। इसके पहले एक और व्यक्ति आया था जो टैलेंटेड व्यक्ति था, मोहम्मद बिन कासिम इंपोर्टेंट हो गया। एक और आया था महमूद गजनी। महमूद गजनी ने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए, उसमें से एक सबसे पॉपुलर है सोमनाथ के मंदिर का आक्रमण। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है कि जब सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण हुआ था, तब सोमनाथ वंश में, जब सोमनाथ उस एरिया में या उस क्षेत्र में किस वंश का शासन था? उस क्षेत्र में सोलंकी वंश के राजा थे और राजा का नाम था भीम प्रथम। क्या नाम था उनका? भीम प्रथम। महमूद गजनी हो गए। अब आते मोहम्मद गोरी। कौन आया? मोहम्मद गोरी 1192 में।
आ तो वो 1175 में ही गया था, लेकिन मेन 1192। एक चीज समझना, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण सफल 712, पहला असफल 711, लेकिन भारत में ऐसा मुस्लिम आक्रमण जिसने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव को बनाया 1192, तराइन का दूसरा युद्ध, द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। देखो 712 में आक्रमण तो हो गया था, अभी तक एक बेस आधार मजबूत इमारत का निर्माण नहीं हुआ था। वो कब होगा? 1192 में, जब मोहम्मद गोरी किसको हराएंगे? पृथ्वीराज चौहान को। कौन से युद्ध में? तराइन के युद्ध में। अब समझो, तराइन के दो युद्ध हुए, पहला युद्ध और दूसरा युद्ध, किस किस के बीच में? पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद गोरी के बीच में। कब हुआ? 1191 में पहला और 1192 में दोनों। 1191 में, 1191 में जब युद्ध लड़ा गया था उसमें, अच्छा ये सोचो, बताता हूं, देखो 91 और 1192, पहले युद्ध में कौन जीता तराइन के? पृथ्वीराज चौहान। दूसरे में कौन जीता? मोहम्मद गोरी। अब पृथ्वीराज चौहान दूसरे में हार क्यों गया जबकि पहले में जीत गया? कारण है, समझो, राजपूतों को एक बात तो समझ में आ गई थी, किसी भी विदेशी शक्ति को भारत में एंट्री नहीं लेने देंगे। उस समय जो भारत में चल रहा था, उस समय सारे राजपूतों की एकता में विखंडन हो गया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने सबको समझाया, ठीक है, और सबको एकत्रित किया और पूरे राजपूतों ने मिलकर 1191 में अपने शक्ति प्रदर्शन को करके मोहम्मद गोरी को हरा दिया। लेकिन मोहम्मद गोरी हार तो गया लेकिन जिंदा बच गया। क्लियर? जो एकता का प्रदर्शन राजपूतों ने 1191 में करा, वो 1192 में अपने अपने साम्राज्य में हो गए थे, और इतना सीरियस नहीं ले रहे थे मोहम्मद गोरी रिटर्न करेगा। लेकिन इतिहासकार लिखते हैं कि मोहम्मद गोरी ने जब पलायन किया था, एक साल तक वो बदले की आग में जलता रहा था, और वो बदला उसने 1192 में पूरा कर लिया। पृथ्वीराज चौहान हार गए, मोहम्मद गोरी जीत गए, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव इसी ने डाली। आया समझ? वेरी गुड, ये हो गया। थोड़ी देर पहले मैं समझा चुका हूं क्या हिंदू मुस्लिम में हो रहे छोटे छोटे मतभेदों को हमको सांप्रदायिक का नाम नहीं देना चाहिए, ठीक है। 1192 हो गया, वेरी गुड। एक व्यक्ति थे जिसने मोहम्मद गोरी को इनवाइट किया था, उसका नाम था जयचंद्र। क्या नाम था? जयचंद्र। तो जिसने इनवाइट किया था भारत में आक्रमण करने के लिए जयचंद्र ने, उसको भी मोहम्मद गोरी ने 1194 में हटा दिया। उस युद्ध का नाम क्या था? चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध था? चंदावर का युद्ध। यहां तक समझ आया? एक बार रिवाइज करा देता हूं। 711 रट गया, 712 रट गया, मोहम्मद बिन महमूद गजनी रटा 17 बार आक्रमण, 1024 में सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण, 1191 तराइन का पहला युद्ध, 1192 दूसरा युद्ध, 1194 चंदावर का युद्ध, जयचंद्र जिसने इनवाइट किया था और मोहम्मद गोरी के बीच में, और जीता कौन? मोहम्मद गोरी। वेरी गुड। अब आता है दिल्ली सल्तनत काल, कब? 1206 से 1526 तक, फिर 1526 से लेके 1707 तक चलेगा मुगल काल। आया समझ? दिल्ली सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत काल में, मैं लिख भी देता हूं ताकि आपके नोट्स अच्छे बन जाए, और रिवाइज कर रहे हैं हम तो अच्छे से ही कर लें, समझ लो इसको। 1206 से लेके 1526 तक पांच वंश आए, स्लेव डायनेस्टी लिखते चलो, गुलाम वंश 1206 से लेके 1290, दूसरा कौन सा आया? खिलजी डायनेस्टी, कब से कब तक चली ये? 1290 से लेके 1320 तक, ठीक है, क्लियर है। अगला आएगा तुगलक, और इसमें कहां से कहां तक चलेगा? 1320 से 1414 तक। फोर्थ आएगा सैयद वंश, ये कब से कब तक चलेगा? 1414 से 1451 तक। अगला कौन सा आएगा?
लोधी, और ये कब से कब तक चलेगा? 1451 से 1526 तक। आगे समझ में क्लियर है? ये रट जाने चाहिए, जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे ही रट जाने चाहिए सब, क्लियर है? अब ये पांच डायनेस्टी आई, पांच वंश आए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। सबकी स्पेशलिटी सुन लो। गुलाम वंश में कौन कौन से राजा आए जो गुलाम थे? पहला राजा आया कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। पहला गुलाम कौन था, पहला राजा कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार बनवाया था। खिले कुतुब मीनार की केवल एक ही वो बनवाई थी उसने मंजिल, बाकी की चार मंजिल किसने बनवाई थी? इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने मिलके। आपसे अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले आईएएस में, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य में किन किन का सहयोग है? एक किसका है? दूसरा इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन के ऐबक के बाद ही राजा बना था। लास्ट कौन सा है? फिरोज शाह तुगलक, इसमें आया था जो उसने लास्ट मंजिल का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक आया, इल्तुतमिश आया और बहुत सारे राजा है, इसको डिस्कस करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे समझे, अगले पे आओ, खिलजी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? उसकी हत्या करके खिलजी आया। खिलजी में सबसे पहले कौन आया, कौन सा खिलजी आया था? जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद कौन आया था? अलालुद्दीन खिलजी। अब क्या सर कुछ इंपॉर्टेंट है क्या यहां पे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उनको समझो। जलालुद्दीन खिलजी बहुत ही ज्यादा उदार किस्म का आदमी था। उसके उदारता के बारे में इतिहासकार एक बात लिखते हैं, वो इतना उदार था, इतना उदार था, इतना उदार था कि उसके काल में जो उसका भतीजा अलालुद्दीन खिलजी था, उसने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन उन सारी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया उसने, और उसकी उदारता को लोग बागों ने उसकी बेवकूफी समझ लिया, उसकी मजबूरी समझ लिया। यार ये हमको इतिहास सिखाता है, जो इन राजाओं ने गलती की है वो हम ना करें। जरूरत से ज्यादा उदार हो गए तो लोग बाग आपको उसकी बेवकूफी समझ लेंगे आपकी, समझ रहे हो? इतिहास ने सिखा दिया। तो जलालुद्दीन खिलजी आए। जलालुद्दीन खिलजी के काल में अलालुद्दीन खिलजी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट आक्रमण करा था। हुआ क्या था, ये जितने भी अभी तक चल रहे थे ना 712 से लेके, ये ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में हो रहा था, इस क्षेत्र में हो रहा था, इस क्षेत्र में हो रहा था, नॉर्थ इंडिया में हो रहा था। साउथ इंडिया में क्यों नहीं हो पा रहा था? अरे बीच में है विंध्याचल पर्वतमाला है ना, तो कहां से हो जाएगा? इसका मतलब लगभग 700-800 साल में साउथ इंडिया में कोई आक्रमण ही नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि साउथ इंडिया में कोई आक्रमण नहीं हुआ तो साउथ इंडिया के पास तो अभी बहुत सारा पैसा होगा। यहां पे क्यों नहीं था इतना पैसा, समझो। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनी, इन्होंने इतना पैसा ऑलरेडी लूट चुके थे, ये इतना पैसा लूट चुके थे कि लाखों हाथी, लाखों ऊंट, लाखों घोड़े लाते थे, उनके ऊपर लाद लाद के सोना ले जाते थे। तो कहां से, अब सोने की चिड़िया रही नहीं था भारत, लूट लिया पूरा पैसा, और उसमें इतना वजन डाल देते थे जो हाथी वगैरह रहते थे उनके ऊपर कि आधा सोना तो अरब में जब जाता था तो आधा तो जमीन पे पड़ा रह जाता था, वो लोग उठाते भी नहीं थे। ऑलरेडी इतना है, क्या करेंगे उठा के, वो कहां रखेंगे? मैं तो कहता हूं छोड़ो तैयारी, उसी को ढूंढने चलते हैं अपन, सोने को, उसी सोने को। क्यों, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है? मतलब दक्षिण भारत में आक्रमण नहीं हुआ तो सोना किसी ने लूटा भी नहीं है, बहुत सारा पैसा है। जलालुद्दीन खिलजी जब राजा थे, समझना, करा आक्रमण किसने? अलालुद्दीन खिलजी। राजा कौन थे? जलालुद्दीन। आक्रमण कब हुआ? 1293। 1293 समझना, और अच्छे समझा रहा हूं। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से 1296 तक शासन किया, 1290 से 1296 तक। आक्रमण कब हुआ था देवगिरी पे? 1293 पे। तो राजा कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। करा किसने? वेरी गुड, वेरी गुड। कहां पे आक्रमण किया?
साउथ इंडिया में, मतलब सबसे पहला दक्षिण भारत में मुस्लिमों का आक्रमण 1213 में, और अपार मात्रा में धन संपदा को लूट के लाया था कौन? वेरी गुड, आया चल। अलाउद्दीन खिलजी ने एक और आक्रमण करा था जिसका नाम है चित्तौड़ पे आक्रमण करने का कारण उसका था, एक रानी थी वहां की पद्मावती, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, उनकी सुंदरता के चर्चे सुनने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 1303-1304 में चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, लेकिन रानी उनको नहीं मिल पाई थी। इस बात की जानकारी हमको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं, ये सब काय की घटना चली है 1303-1304 की, चित्तौड़ पे आक्रमण हुआ, इस बात की जानकारी कहां से मिलती है? अभी तो मेरे द्वारा मिल रही है, हिस्ट्री में कहां से मिली? 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पद्मावत ग्रंथ की रचना की थी, उस पद्मावत ग्रंथ नामक पुस्तक जो थी, जो कि रानी पद्मावती के ऊपर आधारित थी, इस बात की जानकारी हमको वहां से मिलती है कि 1303-1304 में जो आक्रमण किया था वो किसके कारण हुआ था? रानी पद्मावती के कारण। ये पुस्तक किसके काल में लिखी गई? 1540 में कौन थे? शेरशाह सूरी। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। पद्मावत के बारे में सुन लो, पद्मावत की रचना किसने की? आंसर बताओ जल्दी, मलिक मोहम्मद जायसी। किसके बारे में है? युद्ध का कारण क्या था? रानी पद्मावती। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। किसके शासन काल में रची गई थी? बस हो गया था, आ गए सारे क्वेश्चन, वेरी डिफरेंट डिफरेंट जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो गए, वेरी गुड। अलाउद्दीन खिलजी, क्या कहना तुम्हारा? अब तुगलक वंश आया, तुगलक वंश में ग्यासुद्दीन तुगलक आए, फिरोज शाह तुगलक आए, मोहम्मद बिन तुगलक आए, हमको आप लोगों में इंटरेस्ट नहीं है, हम आते हैं अब सैयद वंश में, सैयद वंश में भी आए खिजर का वगैरह, हमको आप में भी इंटरेस्ट नहीं है, अब आए लोधी वंश, लोधी वंश में तीन लोधी आए, कौन कौन? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, हमको आप में भी इंटरेस्ट नहीं है, जाओ, हमको इंटरेस्ट है इब्राहिम लोधी में, क्यों? क्योंकि इब्राहिम लोधी को हटा के 1526 में भारत में एंट्री होगी बाबर की, किसकी एंट्री होगी? बाबर की एंट्री होगी, तो इब्राहिम लोधी को हटा के 1526 में बाबर आए और बाबर ने भारत में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का। क्लियर है? पानीपत के युद्ध में कौन आ रहा था? इब्राहिम लोधी। जीता कौन था? अब लोधी वंश के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है, याद करना, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अरब। महमूद गजनी कौन से साम्राज्य का था? गजनी। मोहम्मद गोरी कौन से साम्राज्य का था? गौर। मुगल कौन से साम्राज्य के थे? चदकाती तुर्क। कौन थे? तुर्क। तो लोधी था वो अफगानी थे। ये मैं क्यों बता रहा हूं? लोधी वंश पहला अफगानी वंश था। अब शेरशाह सूरी का जब वंश आएगा वो भारत का दूसरा अफगानी वंश होगा। कुल मिला के दो अफगानी वंश थे, लोधी वंश, सूरी वंश। पहले लोधी वंश को, पहले अफगानी वंश को 1526 में हटा के बाबर ने एंट्री ली जो कि तुर्क था, लोधी हार गए, सल्तनत काल समाप्त हुआ, मुगल काल की शुरुआत हुई। बाबर के जीतने का एक कारण यह भी था कि बाबर खुद एक अच्छा सेनापति था, पहली बात। दूसरी बात, बाबर के पास तोप खाने थे, एक तरफ इब्राहिम की लाखों की सेना, एक तरफ बाबर की 10,000 की सेना, लेकिन एक तरफ तलवार और दूसरी तरफ तोप, एक तोप छोड़ी, कल लूट रहा है, बब लूट रहा है, लल लूट रहा है, तोप के सामने कहां लगेंगे चीजें? बाबर जीत गया। क्लियर है? बाबर ने 1526 में, लिखते चलो, 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा? पानीपत का युद्ध। सब पूछूंगा क्लास के एंड में, समझा भी दूंगा, रटाऊंगा भी, सही। 1527 में एक और युद्ध लड़ा, कौन सा था?
बाबर की भारत में एंट्री तो हो गई लेकिन मजबूती नहीं आई अभी शासन में, अभी शासन में मजबूती नहीं आई। मजबूती लाने के लिए, अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए राजपूतों को हराना पड़ेगा। तो अगला युद्ध हुआ राजपूतों के खिलाफ 1527 में, खानवा का युद्ध। काय का युद्ध हुआ? खानवा। और राजा थे राणा सांगा। कौन थे? राणा सांगा। बाबर की सेना ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया, हम नहीं लड़ पाएंगे। राणा सांगा है वो, हंसी मजाक नहीं है, बाबर की सेना के रही है, नहीं लड़ेंगे युद्ध। बहुत लोग युद्ध लड़ रही है, और ऐसा नहीं है, सेना भी थक चुकी थी। 1526 से पहले ही बाबर की सेना बहुत युद्ध लड़ चुकी थी, 1507 से युद्ध लड़ रही थी, 1507 से युद्ध लड़ रही थी जब बाबर ने काबुल पे आक्रमण किया था, और 1526 तक लड़ रही थी। सेना ने मना कर दिया, राणा सांगा मजाक की बात नहीं महाराज, हम नहीं लड़ेंगे। जैसे सिकंदर की सेना ने मना करा था ना, याद है, लौटने लगे थे वो सिकंदर की सेना, सेना ने मना कर दिया। अब बाबर ने कहा कि मैं अगर एक अच्छा लीडर हूं तो मैं अपनी जनता को मोटिवेट करता हूं। बाबर ने बोला जिहाद का नारा। बाबर ने जिहाद का नारा 1527 में कौन से युद्ध में दिया था? राणा सांगा खिलाफ खानवा के युद्ध। जिहाद का नारा क्या है? जिहाद के नारे का मतलब है गैर इस्लामिक राज्यों को इस्लामिक राज्य बनाओ, गैर इस्लामिक राज्यों को इस्लामिक राज्य बनाओ, जनता मोटिवेट। मैं आपको ये दे दूंगा, ये युद्ध जीतने के बाद मैं आपको ये दे दूंगा, जनता मोटिवेट। राणा सांगा की युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गई। राणा सांगा ग्रेट वॉरियर थे, हार इसलिए गए तोपखाने, खेल ही खत्म, बात ही नहीं करनी, तोपखाने। 1527 में जीत गए। अब आओ 1528 में, 1529 में, 1528 में एक और युद्ध हुआ था, कहां का? चंदेरी का युद्ध, ठीक है। 1529 में एक और युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप 1530 पे, 1530 में बाबर का एक लड़का था हुमायूं। हुमायूं की तबीयत बहुत खराब थी। बाबर ने भगवान से यह प्रार्थना की, बाबर ने अल्लाह से यह प्रार्थना की, बाबर ने यह प्रार्थना की कि इसकी जो बीमारी है वो मुझे हो जाए और मेरा बच्चा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि ये उसकी प्रार्थना कबूल हो गई और बाबर उसी बीमारी से मर गया जिससे हुमायूं ग्रस्त था। तो 1530 में बाबर का चैप्टर खत्म। 4 साल में बाबर भारत पे बहुत स्ट्रॉन्ग साम्राज्य हुमायूं को दे गया था, दे गया। हुमायूं बाबर जितना टैलेंटेड नहीं था, लेकिन उसका बेटा अकबर बहुत टैलेंटेड था, बहुत टैलेंटेड था, इसलिए तो उसको उनको राष्ट्रीय सम्राट, भारत का राष्ट्रीय शासक बोला जाता है। अकबर को क्या बोला जाता है? भारत का राष्ट्रीय शासक। वेरी गुड अकबर। लेकिन अभी हुमायूं पे आना जरूरी है, क्यों? क्योंकि 1540 में एंट्री कराना है शेरशाह सूरी की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो दरअसल शेरशाह सूरी, जिसका ओरिजिनल नाम है फरीद, वो फरीद की एंट्री डायरेक्ट नहीं हुई, वो बाबर की सेना का एक आदमी था और 1526 के युद्ध में शेरशाह सूरी ने बाबर की मदद की थी। आया समझे? शुरू से ही था वो आर्मी, मुगलों की आर्मी में, तो मुगलों की सारी टेक्निक समझता था। 1530 में हुमायूं आए, बहुत सारी बातें हुई, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ओवरव्यू ले रहे हैं। और नोट्स में आप देख सकते हो 1540 में ये हुआ, शेरशाह सूरी की एंट्री हुई, बाबर दूर चले गए, बाबर ने पलायन कर दिया, बाबर हार गए थे। युद्ध हुए थे, चौसा का युद्ध हुआ था, बिलग्राम का युद्ध हुआ था, शेरशाह सूरी ने हरा दिया था किसको? हुमायूं को, और हुमायूं भाग के चले गए थे कहीं पे। शेरशाह सूरी मतलब भारत में दूसरा अफगानी वंश, शेरशाह सूरी जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, शेरशाह सूरी जिसने भारत में पट्टेदारी बंदोबस्त की स्थापना कराई, पट्टेदारी जमीन पट्टे पे देना, वो शेरशाह सूरी ने शुरू करवाया था। शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रगामी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सर, अकबर का अग्रगामी मतलब,
अकबर ने जो साम्राज्य बनाया उसकी नींव शेरशाह सूरी ने डाली थी। अकबर का अग्रगामी कौन है? अकबर को प्लेटफॉर्म शेरशाह सूरी। 1555 में हुमायूं अभी पलायन कर चुके थे, 1555 में हुमायूं ने री एंट्री करी। उस समय भारत में किसका शासन था? सूरियों का। 1545 में किसकी मृत्यु हुई थी? शेरशाह सूरी। फिर उसके जो उत्तराधिकारी थे वो योग्य नहीं थे। 1555 में युद्ध हुए, एक तो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, एक सरहिंद का युद्ध हुआ। उस सरहिंद और मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने सूरियों को हरा दिया और दोबारा से मुगल आया। आया समझे? 1555-56 में, 1556 में जब हुमायूं आए तो क्या हुआ सरहिंद में? अकबर अभी कहां थे? जहां पे हुमायूं भागे थे। अकबर का जन्म कहां पे हुआ था? अमरकोट में। किसके राजा कौन सा था? वीरसाल। तो अकबर अभी अमरकोट में थे, उस तरफ थे, और हुमायूं दिल्ली में थे। ठीक है सर, हुमायूं गए बढ़िया स्टाइल में लाइब्रेरी पढ़ने, ऊपर 10-15 मंजिल की लाइब्रेरी थी, उसको पढ़ने गए हुमायूं किताब पढ़ने। बुक पढ़ रहे थे और जीने उतर रहे थे, पैर फिसला, गिर गए। चैप्टर खत्म हुमायूं का। चैप्टर खत्म जब हुमायूं का हुआ तो इतिहासकार एक बात लिखते हैं कि हुमायूं जिंदगी भर लुढ़कता रहा और उसकी मृत्यु भी लुढ़कते लुढ़कते ही हुई। पलायन कर लिया था ना हुमायूं ने, भागता रहा दर दर की। अकबर का जन्म विपरीत परिस्थिति में होता है जब हुमायूं, समझ रहे हो, और जब विपरीत परिस्थितियों में कोई व्यक्ति आता है वही टैलेंटेड निकलता है। हुमायूं की जब मृत्यु हुई, अकबर पे ये खबर पहुंची, तो यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा 5-6 महीने का। इस मौके का फायदा उठा लिया हेमू विक्रमादित्य ने। हेमू विक्रमादित्य तुरंत गए और दिल्ली पे आक्रमण कर लिया। मध्यकालीन भारत में एकमात्र हिंदू राजा जिसने भारत पे शासन किया, हेमू विक्रमादित्य। क्लियर? अकबर को जैसे ही इस बात की खबर लगी, अच्छा आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा यार कि हुमायूं क्यों आ गया, भूले? तोपखाने थे उसके पास, तो आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए था ना कि शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी सब जानता था। जिस समय बरसात हुई तोपखानों में लग गई जंग, तोपे चल ही नहीं पाई, इसलिए आ रहा था हुमायूं। समझ आया? 1556 में हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। पहला 1526, दूसरा युद्ध 1556 में। उस युद्ध में अकबर जीत गए। हेमू विक्रमादित्य की आंख में लग गया था तीर और अकबर उस समय मात्र 14 साल का था। कितने साल का था? 14 साल का था। किसके नेतृत्व में था अकबर? बैरम खान। क्लियर है? बैरम खान की मृत्यु कब हुई थी? 1560। क्यों हुई थी? हज की यात्रा करने गए थे, बीच में मार दिया गया था उनको। अकबर ने 14 वर्ष की उम्र में हेमू विक्रमादित्य को हरा दिया था। हेमू की आंख में तीर लग गया था, हार गए थे। 1556 खत्म। अकबर ने कब तक शासन किया? अकबर अब अगले 50 साल तक शासन करने वाले, 1606 तक। बहुत बड़ी बात है, और 50 साल में उन्होंने भयंकर काम तो करे होंगे। खत्म हो गए 1606 आई, कौन आए? जहांगीर। जहांगीर का चैप्टर समाप्त हुआ। बीच में नूरजहां आई, जिनका ओरिजिनल नाम मेहरुन्निसा था, जिनके पिता का नाम, जिनकी माता का नाम असमत बेगम था, जिन्होंने इत्र का आविष्कार किया है। जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब आए, औरंगजेब के बाद ही बहुत सारे राजा हैं। ये मुगल काल का अंत हो गया बाद में, लेकिन बीच में इसी समय के पहले 1498 में वास्को डी गामा भारत में आ चुके थे। अब जहाज का आविष्कार हो चुका होगा। यूरोपीय एंट्री कब हुई थी? 1498।
तो अभी हमने मिडिवल समझी, अब आते हैं काय पे, मॉडर्न पे। अब काय पे आते हैं, मॉडर्न पे। पूरा ओवरव्यू तो मिल गया ना आपको आधे घंटे में, यस और नो? चलो अब आते हैं मॉडर्न पे। 1498 में किसकी एंट्री हो गई? वास्को डी गामा, पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डी गामा, पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डी गामा की एंट्री हो गई। अंग्रेजों की भारत में कब एंट्री हो गई? 1606 में। आपको मैं एक अच्छी टाइमलाइन बनवा रहा हूं, उसको लिखो, लिखो, जीवन भर काम आएगी, जीवन भर काम आएगी। पहली एंट्री ऑफ 4 foreign powers, विदेशी शक्तियों का आगमन। पहला लिखो विदेशी शक्तियों का आगमन, दूसरा लिखो स्ट्रगल बिटवीन देम, उनके बीच में संघर्ष, दूसरा लिखो उनके बीच में संघर्ष, तीसरा लिखो ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा लिखो ईस्ट इंडिया कंपनी, चौथा लिखो रूल इंडिया, भारत पे शासन, भारत पर शासन, पांचवा लिखो एक्सप्लोइटेटिव पॉलिसीज, शोषणकारी नीतियां। अगला लिखो 1857 रिवॉल्ट, क्रांति। अगला लिखो रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स, समाज और धर्म सुधार आंदोलन। अगला लिखो कांग्रेस। क्लियर है? हिस्ट्री 2 मिनट में समझा दूंगा पूरी, मॉडर्न। अगला लिखो 9th मॉडरेट्स, अगला लिखो मॉडरेट्स, मॉडरेट्स का मतलब नरमपंथी। अगला कौन सा लिखो मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, और फिर लिखो रेवोल्यूशनरी। मॉडरेट मतलब नरमपंथी, गरमपंथी क्रांतिकारी। इसके बाद क्या आएगा? 10th इधर लिख रहा हूं मैं, 10th आएगा गांधी, गांधीवादी युग, गांधी इरा। क्लियर है? इंडिपेंडेंस, बस खत्म मॉडर्न हिस्ट्री। अब समझो 2 मिनट में, तरह तरह की विदेशी शक्तियों का भारत में आगमन हुआ, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज आए। अब तरह तरह की शक्तियां आ गई तो भारत पे अधिकार किसका हो, इसलिए उन शक्तियों में आपस में युद्ध चलते रहे, चले युद्ध। उन युद्धों में से एक ही शक्ति बची, इंग्लैंड। इंग्लैंड ने क्या बना ली भारत में? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई तो वो भारत पर अधिकार करना शुरू करेंगे। कब से अधिकार करना शुरू करेंगे याद करो, 1757 भारत पहला युद्ध अंग्रेजों का भारत में, भारत से प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध करा, बक्सर का युद्ध करा, भारत पर शासन कर लिया। एक बार शासन की स्थापना हो जाए, शोषणकारी नीतियां करो, शोषण करो भारत का, तरह तरह की चीजें भारत से ले जाओ अपने देश में, भारत का पूरा शोषण करो। शोषण करोगे भारत को गुस्सा आएगा, भारत में क्रांति हो गई, क्रांति हुई, क्रांति में हार गए, तब पता लगा क्रांति करने से पहले सबके धर्म को और समाज को सुधारना जरूरी है, समाज और धर्म सुधारना। जब ये सुधारना शुरू हो गए, अब लगा एक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है, कांग्रेस की स्थापना हो गई, गांधी जी की एंट्री हो गई, इंडिपेंडेंस मिल गया, खत्म कहानी। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिल गए, खत्म कहानी। आए सुन, थोड़ा थोड़ा इनको डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, बाकी आपको पूरे जो लेक्चर्स हैं हिस्ट्री के उसमें सारा मिल जाएगा। क्लियर है? बहुत सारी पावर्स आई, संघर्ष हुआ, कर्नाटक के युद्ध हुए, स्वाली का युद्ध हुआ, पुर्तगाली आ रहे, कभी अंग्रेज आ रहे, कभी फ्रांस आ रहा, अल्टीमेटली एक ही सत्ता बची,
अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने भारत से युद्ध करा, कौन सा? पहला युद्ध था 1757 प्लासी का युद्ध, दूसरा युद्ध था 1764 बक्सर का युद्ध। अच्छा एक चीज याद करना, भारत में मुस्लिम आक्रमण पहला सफल 712, नींव कब डली 1192। ब्रिटिशर्स ने भारत पे भारत से पहला आक्रमण कब करा 1757, नींव कब डली 760, नींव कब डली थी बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध के बाद उन्होंने भारत पर बहुत शोषणकारी नीतियां लगाना शुरू करा और अल्टीमेटली ये सारी। व्हाट्सअप गाइस, वी होप यू एंजॉयड अवर लेक्चर। इस पूरे लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजों को कवर करने की कोशिश की है, एनिशियंट हिस्ट्री से मीडियवल हिस्ट्री तक। शुरुआत हमने हड़प्पा सभ्यता से करी थी, फिर हमने ऋग्वेदिक पीरियड पढ़ा, फिर हमने पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड पढ़ा, फिर हमने मौर्य पीरियड पढ़ा, उसके बाद हम जल्दी से मीडियवल हिस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट शासकों पे चले गए थे। ये सिर्फ एक डेमो लेक्चर था। आप अगर चाहते हैं तो आप हमारा फुल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी ले सकते हैं जो कि कंप्लीट हिस्ट्री को कवर करता है, वो आप हमारी वेबसाइट से नीचे दिए गए लिंक से ले सकते हो। साथ में आपको कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी मिलते हैं, आप हैंड रिटन नोट्स, हमारे जो क्लासरूम में नोट्स डिक्टेशन होती है उन नोट्स को भी ले सकते हो, हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, जिसमें सारी चीजों को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लिखाया गया है और उसमें IAS PSC के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी लिखाए गए हैं और लिखने का पैटर्न भी बताया गया है। थैंक यू, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करेगा आगे भी अच्छा काम करते रहने के लिए। थैंक यू, आई होप यू एंजॉय द लेक्चर, कीप लविंग अस, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, हम होंगे कामयाब।